भी करना है, घर भी संभालना है। शिराजी जिस फरोशी का धंधा करता है, सभी ने तो केरला स्टोरी तो देखी होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले काफी कंट्रोवर्सी सीक्रेट कर दी थी, यहां तक कि इस फिल्म को कई सारे राज्यों में बैन भी कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन सभी राज्यों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद अभी तक ये ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और सोने को मिल रहा है कि इधर केरला स्टोरी अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी भी यह फिल्म सिनेमा हाउस पर चल रही है, यानी कि अभी ये फिल्म और भी ज्यादा कमाई करेगी। और आज हम यहाँ पर बात करने आए हैं केरला स्टोरी के सेकंड पार्ट की। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि केरला पूरी फिल्म एक छोटे से बजट की फिल्म है। इसे पैन इंडिया रिस्क किया गया था और फिल्म की रिलीज होने के बाद फिल्म को कई कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार भी होना पड़ा और इन्हीं कॉन्ट्रोवर्सीज की मदद से फिल्म में सुपरहिट रहे। लेकिन अब आगे क्या होगा? फिल्म के सुपरहिट होने के बाद क्या हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा या नहीं, इसको लेकर सभी के मन में एक सवाल है। वैसे भी मेकर्स की तरफ से तो इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है तो ये बात तो पक्की है कि हमें इसका सेकंड पार्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि ये सेकंड पार्ट केरल राज्य पर ही केंद्रित होगा या नहीं। हो सकता है कि आपकी बार फिर मेकर्स किसी और घटना के ऊपर स्टोरी बनाकर उसे फिल्म का रूप दे, लेकिन अभी इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। नई फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तो सेना की तरफ से कोई अपडेट है, और जैसा कि आप सबको पता है कि तक केरला स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तो सेना भी किसी और राज्य की किसी सच्ची घटना पर फिल्म बनाए। कुछ समय पहले तक कश्मीर फाइल्स भी देखने को मिली, वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसके हिट होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने आने वाली एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हाउसमेट कर दी है और अब की बार विवेक अग्निहोत्री द दिल्ली फाइल्स नाम की फिल्म बनाने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें आने वाले समय में केरला स्टोरी फिल्म के बाद किसी और राज्य की नई स्टोरी सुनने को मिले और आने वाले एक दो महीनों में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में कुछ सुनने को जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि अगले साल ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाए, जिसके बाद ये फिल्म हमें 2025 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार फिल्म मेकर्स किस राज्य की कौन सी घटना लेके आते हैं और क्या वो भी कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार होती है या नहीं, क्योंकि फिल्म जितना कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार होती है उतना ही अच्छा करती है, उतना ही मेकर्स को फायदा होता है, क्योंकि फिल्म की कॉन्ट्रोवर्सी से फंसने की वजह से फिल्म का फ्री में प्रमोशन होता है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल्स पर आ जाते हैं और इन सभी का फिल्म के मेकर्स को ज्यादा फायदा होता है। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में हमें कौन सी फिल्म देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।